कोरोना महामारी से ग्रसित ग्रामीणों के लिए इलाज और अन्य व्यवस्था मांगने एवं खाते गांव सीईओ द्वारा जनप्रतिनिधियों एवं समाज सेवी से दुर्व्यवहार किए जाने के संबंध में सुनील यादव अध्यक्ष नगर कांग्रेस अजय गुर्जर पूर्व जनपद उपाध्यक्ष और साथ ही में चिमना लक्ष्मी नारायण बाता ब्लॉक अध्यक्ष किसान कांग्रेस खातेगांव ओम पटेल जनपद अध्यक्ष कन्नौद आदि लोगों ने महामहिम राज्यपाल और मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास जिलाधीश प्रभारी मंत्री मुख्य कार्यपालन अधिकारी देवास और एसडीएम खातेगांव के नाम एक ज्ञापन खातेगांव अनुभागीय अधिकारी एसडीएम संतोष तिवारी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पूरा देश कोविड 19 से भयभीत है। शहरों और कस्बों में अधिकारी जनप्रतिनिधि समाज सेवी जितना हो पा रहा है अपने सीमित संसाधनों से भी अच्छा योगदान करने की पूरी पूरी कोशिश में लगे हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को पंचायत सचिवों के भरोसे छोड़ रखा है। जनपद पंचायत खातेगांव के ग्राम खारदा में एक सप्ताह से लगभग 50 लोग सर्दी खांसी वायरल बुखार के प्रकोप में है और पूर्व मंडी अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पवार बंडा वाले ने जानकारी देते हुए बताया है कि 29 अप्रैल को ग्राम खारदा के सभी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बुखार के मरीजों के इलाज हेतु सहायक सचिव रंजीत पवार को बुलाकर चर्चा की गई तो सहायक सचिव द्वारा सीईओ खातेगांव से मार्गदर्शन की बात कही और साथ ही में सहायक सचिव द्वारा सभी व्यक्तियों की उपस्थिति में सीईओ को फोन लगाया, किंतु उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। तब गांव के ही वरिष्ठ एवं कृषि उपज मंडी खातेगांव के पूर्व मंडी अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण बंडा वाले ने दूरभाष पर सीईओ से चर्चा की, किंतु सीईओ खातेगांव द्वारा मदद की बात तो दूर, उल्टे मुझसे अभद्र और अपमानजनक शब्दों में बात की गई। इधर इस संबंध में जनपद सीईओ टीना पवार ने संपर्क किया तो उन्हें अपने निवास पर पत्रकार वार्ता आयोजित कर पूरे घटनाक्रम पर पत्रकारों को मामले से अवगत कराया और पूरे मामले को सुनने के पश्चात पत्रकारों के सवालों के जवाब में टीना पवार जनपद सीईओ ने अपने मोबाइल से बातचीत को सुनाया और कहा कि जो आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं वे निराधार हैं। बातचीत करने में मैं उनकी बात समझ नहीं पाई और वह मेरी बात नहीं समझ पाए, दुर्व्यवहार जैसी कोई बात नहीं है। मैडम, पूर्व मंडी अध्यक्ष द्वारा आरोप लगाया गया कि आपके द्वारा उनसे बदतमीजी की गई, क्या मामला है पूरा? कल दोपहर में मैं जब किसी अन्य कॉल पे बात कर रही थी तब उनका वेटिंग में कॉल आ रहा था तो उनका मिस कॉल देख के मैंने उनको कॉल बैक किया था। साधारण बातचीत के बाद उन्होंने जो है वहाँ के क्वारंटाइन सेंटर के बात में बात की तो मैंने उनको बताया कि हम शासन के निर्देश अनुरूप काम कर रहे हैं, तो शायद वो मेरी बात समझने में उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो कुछ और कहना चाह रहे थे और मैं क्वारंटाइन सेंटर के बारे में जवाब दे रही थी, जिसके कारण उन्होंने कुछ ऊँची आवाज़ में बात की मुझसे। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप इस तरह से ऊँची आवाज़ में बात मुझसे नहीं करें। हमारी यही चर्चा हुई और उसी की पूरा घटनाक्रम यही था। उनके द्वारा बताया गया कि आपने कहा कि क्या मैं इलाज करने आऊँ या अस्पताल या व्यवस्था, ये जो क्या मामला, वो क्या घटना है? हमारी मेडिकल फैसिलिटी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई और ना ही मेरे द्वारा इस तरह के कोई स्टेटमेंट दिए गए कि मैं वहाँ पे इलाज कराने आऊँगी या किसी भी तरह का जो गलत है वो मैंने मेरे द्वारा स्टेटमेंट नहीं दिए। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप फोन नहीं उठाते हैं। जो है उनका मिस कॉल जो वेटिंग में आ रहा था उस पर मैंने कॉल बैक किया, जो सिद्ध करता है कि फ़ोन उठाना तो दूर की बात, नहीं उठाना तो दूर की बात, मैं कॉल बैक तक करती हूँ मिस कॉल। उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया उसमें बताया गया कि पंचायत के जो सहायक सचिव है उन्होंने भी आपको कॉल बैक किया था, आपने फ़ोन नहीं रिसीव किया। इसके लिए मैं ये साक्ष्य देना चाहूँगी कि चाहे तो आप मेरा कॉल जो डिटेल्स चेक करवा सकते हैं, मेरे पास उसका कोई कॉल नहीं है और ना ही मिस कॉल, मेरे कॉल में मिस कॉल है। ठीक, धन्यवाद। देखिए, जैसा कि आप जान रहे हो वर्तमान में कोविड 19 से पूरा भारतवर्ष बेहिसाब तरीके से परेशान है। हम सब लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्थाएं बहुत ही लचर है। इसी को लेकर हमारे पूर्व मंडी अध्यक्ष सम्मानी लक्ष्मी नारायण जी बंडावाला के द्वारा उनके गाँव में 40 से 50 तक सर्दी खांसी के मरीज थे। इनके तारतम्य में जब वहाँ इलाज की व्यवस्था नहीं हो रही थी तो एसडीएम महोदय से बात की गई। एसडीएम महोदय ने तो उन्हें सहयोग किया, किंतु उसके बाद जब उन्होंने उनके रोजगार सहायक से बोला कि आपके ग्राम पंचायत में आपने पलंग लगा रखे हैं और इनमें आप व्यवस्थाएं करा दें, तो उन्होंने कहा आप सीओ जनपद से हमें अनुमति दिला दें। जब उन्होंने इसके लिए सीओ जनपद से बात की तो सीओ जनपद का बहुत ही व्यवहार है वो दुर्भावनाहीन था, क्योंकि वो कहीं मदद करना नहीं चाहती थी। ये आए दिन उनकी शिकायतें आती है
कि ग्रामीण क्षेत्र के कोई भी लोग उनसे जब चर्चा करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ दुर्व्यवहार करती हैं, और इसी को लेकर हमने आज SDM महोदय के थ्रू राज्यपाल महोदय और सभी लोगों को ज्ञापन प्रेषित किया गया है कि ऐसे अधिकारी को सख्त निर्देश दिए जाए और तत्काल यहाँ से हटाया जाए, जो क्योंकि वर्तमान में परिस्थिति संभालने की जगह अगर और बिगड़ती है तो उसमें मैं समझता हूँ कि स्थानीय प्रशासन बहुत बड़ा जिम्मेदार होगा। अगर ये सब लोग कॉपरेट करेंगे तो हम सभी जनप्रतिनिधि होने के नाते कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की जनता के साथ हम न्याय कर सके उस ओर आगे बढ़ेंगे, पर अगर हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा तो आगे से फिर कौन आगे आएगा जो कि समाज सेवा के काम को करता हो। देखिए, जनप्रतिनिधियों के ऊपर किसी टिप्पणी कर देना, शाही फेंक देना, जेल भेज देना या डंडे मार देना कोई अपमान नहीं होता है। मूलतः बात की COVID-19 की लड़ाई से कैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की मदद की जाए। हमारे गांव में जो है लगभग 50% रोजाना बुखार और खांसी के निकल रहे हैं, और SDM साहब ने जो कार्रवाई की थी खातेगांव में हॉस्पिटलों पर, जिसमें हॉस्पिटल सील किए थे, तो ग्रामीण क्षेत्र के सारे डॉक्टर डर गए, कहीं तो कोविड से डर गए और कहीं प्रशासन की कार्रवाई से डर गए थे, तो लोकल के डॉक्टरों ने इलाज करना बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में मैंने चाहा था कि ग्राम पंचायत की चूँकि पूरी व्यवस्थाएँ ग्रामीण क्षेत्र की CO जनपद पंचायत को मध्य प्रदेश शासन ने सौंपी है, तो CO कोई मदद कर दें कि भाई ग्राम पंचायत में अपन बिस्तर लगा दें। वो इस बाबत मैंने बात की थी, लेकिन CO ने अच्छा, जब मैं बात कर रहा था उस समय गांव के लगभग 50% और पेशेंट के जो साथी हैं वो सारे लोग वहीं बैठे थे और मैं फोन स्पीकर खोल के बात कर रहा था। मेरा उद्देश्य नहीं था कि सोशल मीडिया पे इस तरह वायरल किया जाए, लेकिन वहाँ जो सारे लोग बैठे थे वो सहन कर नहीं पाए और सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें वायरल कर दी। वरना हम तो जो है अपने कानूनन रूप से जैसे ज्ञापन देके या जैसे भी होता वैसी कार्रवाई करते। और मैं तो चाहता हूँ कि जैसे ऐसे अधिकारियों से न तो शासन को फायदे हैं, न जनता को फायदे हैं, और न शायद सत्तारूढ़ पार्टी को फायदे हैं। इन अधिकारियों को आप ट्रांसफ़र करके जहाँ भी भेजोगे इनके व्यवहार ऐसे कैसे ही रहेंगे। इनके खिलाफ जांच भी न हो, तत्काल प्रभाव से ऐसे अधिकारी को निलंबित करें और इनके खिलाफ जो है सेवा समाप्ति की कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मेरी मंशा है। ऐसे जो भी अधिकारी हैं जो काम नहीं करना चाह रहे उनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई होनी चाहिए, और ये मैं पूरा प्रयास करूँगा। इसने जितना भ्रष्टाचार किया है, मैंने कल से ही उनकी पर्चे खोलने चालू कर दी हैं एक एक। मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोस्तों नेतागिरी छोड़ दूंगा अगर इसको मैंने सेवा से समाप्त जैसे बाहर नहीं किया। हमारा आया है आपके पास ज्ञापन आया था जनपद CO द्वारा जनप्रतिनिधि से अभद्रता की गई, जबकि जनप्रतिनिधि द्वारा जो है कोविड के तहत मांग की गई थी जांच निरीक्षण। अभी कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें उल्लेख है कि ग्राम खारदा के वरिष्ठ कांग्रेसी लक्ष्मी नारायण भंडारा जी भंडावाला जी और जनपद CO फातेगांव के बीच में कोई बात हुई है, उससे कांग्रेस के लोगों में आक्रोश है, जिसको लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है जिसको वरिष्ठ कार्यालय को भेज दिया जाएगा। ग्राम खारदा में आज मैं स्वयं गया था DMO को लेकर, वहाँ जितने भी बीमार लोग थे उनके सबके आवश्यक होने पर सैंपल कराए हैं, सभी को दवाइयाँ दी गई हैं, और खारदा में अभी स्थिति ठीक है, कोई समस्या नहीं है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।